ये जो प्रोजेक्ट है ये नियर खराड़ी है, तो आपको यहाँ से खराड़ी 2.9 किलोमीटर्स में आप कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे 2 और 3 BHK अपार्टमेंट्स है। इस प्रोजेक्ट रिव्यू में आप जो देखने वाले हैं प्रोजेक्ट, उसमें आपको सारी मॉडर्न एमिनिटीज़ मिलेगी। इट इज़ इन लग्जरी सेगमेंट, सो यू विल बी लिविंग विद अ वेरी गुड क्राउड। एमिनिटीज़ काफ़ी अच्छी होंगी यहाँ पे। अभी हम लोग जो देख रहे हैं वो 2 BHK अपार्टमेंट देख रहे हो, 848 स्क्वायर फीट। यहाँ से ईऑन IT पार्क जो है दैट इज़ इन खराड़ी, दैट इज़ जस्ट 3 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। अदर देन दैट वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इज़ वेरी नियर टू दैट एज वेल। दिस लोकेशन इज़ फ्लरिशिंग बिकॉज यहाँ पे सारे बड़े डेवलपर्स जो है वो अपने प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं, लाइक गोदरेज, अदर देन दैट देर इज सॉलिटेयर, महिंद्रा। सो यहाँ पे इस टाउनशिप में आप 163 एकर्स की जो टाउनशिप है वहाँ पे आप बहुत अच्छा अपना एक घर ले सकते हैं। सो फॉर मोर डिटेल्स यू कैन जस्ट कॉल मी ऑन द गिवन नंबर, यू विल बी गिवन फ्री कैब सर्विस एंड ऑल्सो विद दैट देर इज़ नो ब्रोकरेज इन्वॉल्व। एंड आपको मिलेगी कॉस्ट शीट एंड जो ब्रोशर है वो आपको नीचे व्हाट्सएप लिंक में मिलने वाली। सो लेट्स कंटिन्यू द सैंपल फ्लैट टूर। फ्लैट में एंटर करने से पहले बाहर की तरफ हमें मिलेगा विडो डोर फोन जो होगा हिकविजन कंपनी का। अदर देन दैट इसके ठीक सामने आपको लॉबी स्पेस मिलेगा डिपेंडिंग ऑन द कारपेट यू आर टेकिंग। सो ये वाला जो सैम्पल फ्लैट है दिस इज ऑफ 848 स्क्वायर फीट, सो दिस इज अ रॉ फ्लैट। तो आपको जो एक्चुअली देखने मिलेगा वही है। तो जैसे हम लोग एंटर करेंगे, फर्स्ट लेट मी शो यू द क्वालिटी। येल कंपनी का यहाँ पे स्मार्ट लॉक होगा दैट वुड बी कंट्रोल्ड बाय फिंगरप्रिंट, पासकोड एंड की। उसके अलावा दिस डोर इज ऑफ वीनियर, तो वीनियर फिनिश पूरा डोर रहेगा। एंड उसी के साथ साथ दिस वुड बी द हाइट, मतलब 8 feet का इसमें डोर रहने वाला है। दिस वुड बी द एंट्रेंस फॉयर, सो एंट्रेंस फॉयर से हम लोग लीड करेंगे टूवर्ड दिस लिविंग एंड डाइनिंग एरिया। दिस इज ऑफ 20x11, तो अगर आप एक बड़ा कार्पेट देख रहे हो तो दिस इज़ फॉर यू। अगर आप छोटा भी देख रहे हो सो जो ओरिएंटेशन है दैट वुड बी द सेम, ओरिएंटेशन इसमें चेंज नहीं होने वाला है। इसमें जो चेंज होता है बेसिक तो वो है साइजेस। फोर से ये 11 है, इसकी जगह अगर 10 हो जाएगा तो 1 square foot यहाँ से कम हो जाएगा वहाँ से। एंड फोर से 20 की जगह यहाँ पे 19 है, 18 है, तो डिपेंडिंग ऑन दैट जो साइज़ है वो कम होता रहेगा बट ओरिएंटेशन चेंज नहीं होगा। फोर से आपकी टीवी यूनिट यहाँ पे है, सो आपका सोफ़ा का प्लेसमेंट जो है पूरा यहाँ पे आ जाएगा। एंड यहाँ तक सोफ़ा प्लेसमेंट अगर आ जाता है तो यहाँ पे वॉल है, सामने की तरफ टीवी का यूनिट एंड वहाँ पे है डाइनिंग का स्पेस। ठीक है, नाउ वन मोर थिंग टू पॉइंट आउट इज़ कि यहाँ पे आपको स्मार्ट होम के स्मार्ट होम मिलेगा एंड दी होम ऑटोमेशन आर गोइंग टू बी देयर। सो आप लाइट्स, अपना AC, फैन एंड ऑल्सो यू कैन ऑपरेट इट पूरा इससे। तो अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ तो अंधेरा हो गया, और मैं अगर इसको ओपन कर रहा हूँ तो ये चल गया। सो दिस इज़ वन मोर थिंग। उसके अलावा यहाँ पे एक स्पेस है पूजा घर के लिए, या फिर आप एक क्रॉकरी का यूनिट लगा सकते हो। सो ये स्पेशली एक स्पेस दी हुई है। एंड इसी के साथ साथ चलते हैं इसकी बैल्कनी की तरफ। नाउ बिफोर गोइंग इन लेट मी शो यू, यहाँ पे होगी मॉस्किटो मैश इसके साथ, और इसमें रहने वाली है टिंटेड विंडोज़। मतलब आपका ये जो पूरा है ये पूरा टिंटेड है, नॉइस कैंसिलेशन हो जाता है, मतलब बाहर का कोई भी अगर आवाज़ है तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। जो सनलाइट है, जैसे आप बोलते हो कि धूप बहुत ज़्यादा आती है तो वो नहीं होगा, वो रिफ्लेक्ट होकर बाहर की तरफ जाएगा। एंड दिस इज़ इन द सेगमेंट ऑफ लग्जरी, तो यस यू विल हैव गुड, लाइक ठंडा ठंडा लगेगा, ऐसे बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी। एंड दिस इज़ द बैल्कनी जो होगी अटैच्ड इसके साथ, ये पूरे ऊपर से कवर्ड रहने वाली है। सामने की तरफ ऐसे ही स्लैब आएगा, सो फॉर से कि जब बारिश आ रही है तो पूरा घर में पानी नहीं आएगा, सो यहाँ पे होगा। एंड जो रेलिंग है उसकी साइज़ भी इतनी ही होगी। अभी यहाँ पे नीचे तक यहाँ पे कंक्रीट बनाया है पूरा, सो दैट फॉर योर ओन सेफ्टी, बिकॉज दिस इज़ अ 37-story बिल्डिंग। अगर आप ऊपर की तरफ लेते हो तो दिस इज़ फॉर योर सेफ्टी। यहाँ पे है टफन ग्लास की रेलिंग है, यहाँ पे इट इज़ कवर्ड विद एल्यूमिनियम यहाँ से भी और नीचे से भी। इसको पूरा जो सपोर्ट दिया है वो एक रबर गैस्केट से दिया हुआ है। एंड चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो है किचन का एरिया। सो इधर जो एरिया है वो अभी रेनोवेट हो रहा है बिकॉज ऑफ द न्यू सैम्पल फ्लैट, सो बस माइंड मत करना आप। आप जैसे आओगे यहाँ पे दिस इज सिंगल प्लेटफॉर्म किचन, सिंगल सिंक होगा एंड उसी के साथ साथ आपको हैंडवेयर की यहाँ पे मिलेगी फिटिंग्स। एंड दिस इज़ लाइक द टैप इज़ एडजस्टेबल, आप इसको कैसे भी एडजस्ट कर सकते हो। ये जो आप इस लेवल तक टाइलिंग देख रहे हो सेम रहेगी यहाँ पे, द साइज इज 10x8.8। एंड इसी के साथ साथ स्विचेज फॉर ऑल योर अप्लायंसेज, लाइक दिस इज फॉर योर फ्रिज, यहाँ पे अगर कुछ एक्स्ट्रा लगाना चाहो तो दैट इज़ फॉर योर प्योरीफायर, एंड वन मोर फॉर लाइक अगर आपको और भी कुछ लगाना है तो। इस तरफ है वॉशिंग मशीन का यूनिट यहाँ पे, एंड ये है ड्राई बैल्कनी का स्पेस, आप यहाँ पे वॉशिंग मशीन लगा सकते हैं। एंड ये जो सामने का साइड है दिस वुड बी ओपन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ।
एंड दिस इज द कॉमन एरिया. सो दिस डेवलपर बिलीव्स इन मैक्सिमम लिवेबल एरिया. तो आपका कहीं पर भी कारपेट वेस्ट नहीं होगा. अभी यहाँ पे अगर हम लोग खड़े हैं तो यहाँ पे लॉबी का स्पेस वेस्ट नहीं हो रहा है. सो राइट की तरफ अगर आएंगे तो वॉशरूम है. अमेरिकन स्टैंडर्ड कोलर की यहाँ पे फिटिंग्स होंगी. यहाँ पे सिंक है एक तरफ, ये जो ड्राई एरिया है वो पूरा एक तरफ आ गया, वेट एरिया एक तरफ है. यहाँ पे है शॉवर हेड एंड ये जो है पूरा यहाँ पे है टाइलिंग्स. नीचे एंडिस्क्रिप्ट टाइलिंग्स है एंड जब बाहर निकल रहे हैं तो यहाँ पे ग्रेनाइट है. इसके ठीक सामने है किड्स बेडरूम. यूजुअली प्रोजेक्ट्स का मास्टर बेडरूम इस साइज का होता है. सो 10x6x11x6 का ये वाला किड्स बेडरूम है. ओरिएंटेशन काफ़ी अच्छा है. अगर मैं आपको इमेजिन कराऊँ तो आपका जो पूरा वार्डरोब है पूरा यहाँ पे आ जाएगा. आप इस तरफ अपने बेड की प्लेसमेंट कर सकते हैं एंड सामने की तरफ यहाँ पे टीवी यूनिट का स्पेस है. इस वाले भी रूम में आपको यहाँ पे होम ऑटोमेशन मिलने वाला है. सो आप लाइट्स, फैंस एंड एसी कंट्रोल कर सकते हैं उसके साथ ही. एंड दिस इज़ वन मोर हाईलाइट जो है विंडो यहाँ की. अब ये जो विंडो है ये टिंटेड ग्लास है तो बहुत हार्श सनलाइट नहीं आएगी और बाहर से कोई देख नहीं पाएगा. नीचे का ये फिक्स्ड है, ऊपर का आप इसको ओपन कर सकते हो. सो दिस विल अलाउ लाइट एंड वेंटिलेशन बट नॉट हार्श लाइट. सो अच्छी लाइट आएगी इसके साथ साथ. चलते हैं मास्टर बेडरूम की तरफ. मास्टर बेडरूम में आते ही द बेस्ट थिंग आई फील कि इसका जो साइज़ है 11x14.5 का इसका मास्टर बेडरूम का साइज़ है. इसका ओरिएंटेशन वुड बी सिमिलर. इस तरफ वार्डरोब आएगा आपका, यहाँ पे आएगा बेड. यहाँ पे अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो वर्क फ्रॉम होम करने के लिए यहाँ पे एक स्विच दिया हुआ है सो दैट यू कैन कीप अ टेबल ओवर हियर. एंड उसी के साथ साथ पीछे की तरफ होगा वॉशरूम. अब ये जो वॉशरूम है इसमें थोड़ी सी टाइलिंग चेंज की गई है, थोड़ा सा और अपग्रेड करके हमें फिटिंग दी हुई है कोलर की. सो यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो विद द स्विच हाउ यू वांट योर वाटर. एंड उसी के साथ साथ यहाँ पे है अमेरिकन स्टैंडर्ड की अगेन CPN सैनिटरी फिटिंग्स. सो एक तरफ आ गया ये वाला ड्राई एरिया, एक तरफ आ गया वेट एरिया एंड द शेड्स वुड बी द सेम. और इसी के साथ साथ आप नीचे की तरफ जब देखोगे तो आपको बहुत ब्यूटीफुल ये टाइलिंग दिखाई देगी. लुक्स लाइक ये मार्बल का एक बहुत बड़ा स्टोन है. सो ये सेम आपको विट्रीफाइड टाइलिंग मिलेगी. यहाँ पे जो पेंट है दैट इज़ ऑयल, मतलब आप एशियन पेंट्स का जो सबसे हायर सेगमेंट वाला पेंट देखते हैं वो यहाँ पे यूज़ किया गया है. एंड उसी के साथ साथ एक और बैल्कनी मास्टर बेडरूम में. सो ये भी ऊपर से कवर्ड होगी, नीचे एंटीस्किड टाइलिंग्स है एंड अगेन ये वाला भी आपको रेलिंग का साइज इतना मिलेगा. सो इफ़ यू लाइक द वीडियो मेक श्योर यू लाइक इट, यू शेयर इट विद योर लव्ड वंस जिनको एक फ्लैट खरीदना है एंड सब्सक्राइब करिए, आपका अपना चैनल है. एंड अगर आपको कुछ क्वेरी है तो मेरा नंबर तो है ही, आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम.